फीस वृद्धि वापस लेने को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। बताते चलें कि समाजवादी छात्र सभा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई द्वारा फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति कार्यालय का घेराव किया गया और साथ ही साथ ज्ञापन सौंपा गया एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अपना यह फरमान वापस नहीं लेते हैं तो समाजवादी छात्र सभा उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। वहां मौजूद सद्दाम अंसारी, छोटे अखिलेश, जिला सचिव, समाजवादी छात्र सभा इलाहाबाद ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि और यहाँ मौजूद तमाम साथियों छात्रों को मैं सबसे पहले क्रांति का सलाम पेश करता हूँ और मैं शेर के माध्यम से अपना आगे की बात शुरू करना चाहूँगा कि पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, हम इस समतल को पाटे बिना समय की भूमि नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथियों, मैं जो कि इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस वक्त छात्र नहीं हूँ और मैं इस वक्त 12वीं की शिक्षा प्राप्त करके जो कि मेरा 67% आया है, मैं उम्मीद के साथ पढ़ रहा था कि आने वाले वक्त में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा। लेकिन जब यह खबर मुझको मालूम हुई कि इलाहाबाद पुलिस वृद्धि बढ़ गई है और मैंने ये खबर अपने घर में दी जो कि एक सच्ची घटना है कि इलाहाबाद की फीस कितनी बढ़ गई, मैंने अपने मम्मी से बताया कि फीस बढ़ गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा चले आओ घर, मैं रोक इतना फीस नहीं दे पाऊंगी और तुम चले आओ घर। तो मुझे इस बात की बहुत निराशा हुई और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा या फिर मैं जब तक मैं लड़ूंगा, अगर फीस कितनी कम होती है तो मैं आगे पढ़ूंगा और नहीं पढ़ूंगा तो मैं फीस इसको कम करा के मानूंगा ताकि आने वाले समय में मेरे जैसा युवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सपना ना छोड़ सके। अब बस मैं एक लाइन के माध्यम से अपनी बात करना चाहूंगा। मेरे साथियों संघर्ष को जारी रखो। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।